नमस्कार दोस्तों, रेडी टू गाइड चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज पीएसएल में दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत ही शानदार हैं। जो पहला टॉपिक है दोस्तों, जो कि कमेंट्स के माध्यम से हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे निवेशकों ने कमेंट्स किया है कि जिन लोगों का IFSC कोड चेंज हो गया है, IFSC कोड चेंज होने के बाद दोस्तों उनका क्या होगा। तो IFSC कोड जो दोस्तों जो चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के FD है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट है और 10,000 रुपये के आसपास की दोस्तों ये FD है, उसके बारे में बात करेंगे। तो IFSC कोड दोस्तों, और साथ में बात करने वाले हैं यहाँ पर FD के बारे में। अब देखिए, बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनको अभी भी लगता है दोस्तों कि IFSC कोड चेंज हो गया है और उन्होंने अपने ओरिजिनल PSL का डॉक्यूमेंट भेज दिया है। उनको SMS आया है 10,000 से 15,000 तक के वो निवेशक हैं, पर उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजने के बावजूद उनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी भेज दिया और हमें पैसे ना मिले। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपने अपनी बैंक अकाउंट का नंबर दे रखा है, मानकर चलिए IFSC कोड चेंज हो गया है दोस्तों, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने देखा होगा, अब जो है दोस्तों बैंक भी काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है, आपने देखा होगा बहुत से मोबाइल ऐप ऐसे होते हैं, अब जैसे क्या आप देख लीजिए फ़ोनपे है, अगर आप फ़ोनपे में किसी को पैसे भेजेंगे, जैसे ही आप अकाउंट नंबर डालेंगे दोस्तों, वो ऑटोमेटिक ही आपका IFSC कोड उठा लेता है, पिक कर लेता है। ऐसे ही अगर आपका IFSC कोड गलत है, आपको लगता है, और SEBI जब आपके ट्रांजेक्शन करेगी और आपका अकाउंट नंबर वही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच आते हैं। और अगर आपको लगता है आपके पास SMS नहीं आया है, और अगर आपको लगता है कि आपका IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो चुका है दोनों ही, और आपको SMS नहीं आया है, तब भी दोस्तों आने वाले समय में जल्द ही आपको एडिट करने का ऑप्शन भी जो है SEBI की तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। 10,000 से 15,000 वाले निवेशकों को तो जल्द ही पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जुलाई में, और उसके बाद ऐसे निवेशक जिनको SMS नहीं आया है उनको एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर FD वालों की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स है कि जो FD वाले हैं, FD के निवेशक हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि बहुत से अभी तक जो पेमेंट हुई थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कितनी हुई थी, अभी तक 10,000 रुपये तक की पेमेंट चल रही थी, ठीक है, 10,000 रुपये की पेमेंट चल रही थी। और ज़्यादातर मैक्सिमम जो निवेशक थे जिनकी FD थी, वो ऐसे थे जो कि 10,000 या उससे ज़्यादा वाले थे दोस्तों, 10,000 या उससे ज़्यादा वाले। और बहुत से ऐसे निवेशकों को पैसा नहीं मिला है जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, पर अब दोस्तों ये जो SMS देखने को मिला है, जो ये SMS आ रहा है, ये RD यानी कि अगर आपने हर महीने आप पैसे जमा करते हैं, या FD अगर आपकी 15,000 के आसपास की है दोस्तों, तो ऐसे निवेशकों के पास SMS आ रहा है। हो सकता है दोस्तों आपको भी SMS आया हो, और अगर SMS नहीं आया है दोस्तों तो आने वाले समय में आ जाएगा। अभी 1 जुलाई से पेमेंट स्टार्ट होगी, और मेरे पास बहुत सारे SMS आए, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए जिन्होंने ये क्लियर बताया है कि उनकी जो है 10,000 की या 15,000 के आसपास की FD थी, उनके पास SMS आ चुका है, यानी कि उनको पैसे मिल रहे हैं। तो मैं दोस्तों अपने तौर पर ये कह सकता हूँ कि अब 10,000 से 15,000 के बीच जैसे ही पेमेंट शुरू होगी, कितने ही ऐसे निवेशक होंगे जिनको FD का पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हो कि जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया था उनका नंबर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 से 15 के बीच जब पेमेंट स्टार्ट हुई तो बहुत सारे निवेशकों को FD का पैसा भी मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो अभी भी ये बात करते हैं कि सर हमारा पैसा डूब चुका है, हमें नहीं मिलेगा, उनको विश्वास नहीं होता है, और वही कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप जो बताते हैं वो सही नहीं है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। तो दोस्तों आपको अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आप अपने आसपास देख सकते हैं, अब तो जितने भी PSL निवेशक थे, हर एक गांव में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिलेगा जो 15,000 से कम वाला है, जो कि 10,000 की बात करें, 10,000 के आसपास का है, उसको भी पैसे मिले हैं। तो हर गाँव में कोई ना कोई केस ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ कि उसको क्या 4,000 रुपये मिले हों या 5,000 रुपये मिले हों, 4 से 5,000 रुपये ही क्यों ना मिले हों, पर जो SEBI की तरफ से पैसे मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ चुका है। और जितने भी एजेंट लोग हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास है, उनको भी लगता है कि अगर 15,000 तक की पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक राहत वाली बात है, क्योंकि वो भी जवाब देते देते परेशान हो गए हैं। अब दोस्तों बात निकल कर वही आती है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, देखिए आपको धैर्य तो बनाकर रखना है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो केस है दोस्तों, ये 1-2 दिन का केस नहीं है, ये कम से कम 4-5 साल अभी केस और चलने वाला है।
लंबा चलेगा केस, इसमें लंबे समय लगेगा क्योंकि बड़ी अमाउंट है, 49,100 करोड़ रुपये हैं दोस्तों, सबको मिलने में ज़्यादा समय लगेगा। आप अगर एक एजेंट है तो आपको निवेशकों को समझाना है कि भी धीरे धीरे सबका पैसा मिल जाएगा और एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, और हो सकता है बाद में आपको जो पीएसएल निवेशक ऐसे छूट गए हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनका भी नंबर आ जाए। तो दोनों ही बातें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईएफएससी कोड वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर से ही ट्रैक हो जाता है और पता चल जाता है कि आईएफएससी कोड क्या है। और कुछ समय पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो बता रहे थे कि 1 रुपया पीएसएल के यानी कि सेबी की तरफ से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि 1 रुपये की ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की गई है ताकि ये पता चल सके कि आपका बैंक अकाउंट नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बात ये, और दूसरी जो हमने बात करी दोस्तों दोनों ही एफडी वालों के, तो इनके जल्द ही आपको पैसे देखने को मिलेंगे, आप 1-2 महीना इंतजार करिए, आपके आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, धैर्य बनाकर रखिए, और जिन लोगों के पास एसएमएस आ रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को सेबी के बताए गए एड्रेस पर जरूर भेजें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।